दमोह जिले के बटियागढ़ के खडेरी गांव में गर्मी के तापमान बढ़ते ही फिर से भालुओं का आतंक शुरू हो गया है। बुधवार को एक भालू ने दो लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। जंगली क्षेत्र के गांव में आए दिन भालू रिहायशी इलाकों में भोजन पानी की तलाश में लोगों पर हमला कर रहे हैं। जहां सुबह के समय खेत में सब्जी तोड़ रही महिला पर एक भालू ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बटियागढ़ थाना ग्राम खडेरी गांव में खेत में अपने बेटे गोविंद के साथ सब्जी तोड़ रही शीलरानी काची के ऊपर जंगली भालू ने हमला किया। भालू ने इस महिला को कमर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मां को बचाते वक्त उसका बेटा गोविंद भी घायल हो गया, मामूली चोटें आई हैं। हमला करने के बाद भालू जंगली नाले की तरफ भाग गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के निरीक्षक रतिराम अहरवार ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं जांच के दौरान खेत में भालू के पैरों के निशान पाए गए। वन विभाग द्वारा घायल को प्राथमिक सहायता प्रदान की गई है। आज सुबह 6 बजे हमारी मम्मी सब्जी तोड़ रही थी खेत पर, अचानक कहीं से बीछ आ गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया, उनको घायल कर दिया। तो फिर इसके बाद में हम उनके लिए बटियागढ़ इलाज के लिए ले गए। वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उनको दमोह रेफर कर दिया। घटना खडेरी में हुई है, ग्राम खडेरी तहसील बटियागढ़। आज सुबह करीब 7 बजे मेरे पर खडेरी से पत्रकार महोदय द्वारा फोन पर बताया गया कि यहाँ खडेरी में श्री लोहरिया जी द्वारा कि खडेरी में एक पटेल को विष द्वारा घायल कर दिया गया। मैंने उनसे बोला कि तत्काल आप पटियागढ़ अस्पताल भेज दो और वहाँ पर तरीके से इलाज नहीं हो पाया तो आज दमोह पहुँचा दो। उसके बाद मैं बटियागढ़ गया, इसने बोलो दमोह निकल चुके थे। तत्काल बाद में यहाँ घटनास्थल खड़ेरी पर आया, जहाँ पर देखा कि घटनास्थल पर विष के पंजे पाए गए और जन घायल के पैर पाए गए, जिसका मौका स्थल पर पंचनामा नरी नक्शा गवाहों के बयान दिए गए। वो बताया गया कि ऋषि नाला तरफ जंगल तरफ जो नाला आया है उस तरफ वो फाट गया। दमोहटा से आकिब खान, सागर टीवी न्यूज़।